हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के बना रहा हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या खास है आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर फिल कर देता हूँ एक कलर, ये येलो कलर मैंने फिल कर दिया। यहाँ पर हमको बोनस कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दी गई है, यहाँ एम्प्लॉय का नाम दिया गया, ये एम्प्लॉय के ग्रेड दिए गए हैं, जो ए ग्रेड का कर्मचारी है उसकी सैलरी सबसे ज्यादा है यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पर उनको बोनस भी ज्यादा मिलेगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर इन सबको 10% का बोनस मिल रहा हो तो किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है, अच्छा कंडीशन के आधार पर करना, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो बोनस दिया गया ना इतना ही बोनस इनको मिलेगा। तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है, यहाँ पर आइए इज इक्वल टू इफ का फॉर्मूला लगाइए आप, और एक का फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर और का फॉर्मूला लगा दीजिए, इफ और एक साथ, यहाँ पर कंडीशन ए ग्रेड अगर है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रेड क्या है ए है, ठीक है, तो यहाँ पे ए मैंने दे दिया है, ए इज इक्वल टू डबल इंटेड कोट्स में ए लिख देंगे हम इस तरीके से, ठीक है, और अगर ये जो है यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा करके तब काम करना है, ये कॉमा लगाएंगे फिर इसी को लेंगे हम कॉमा देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, अगर ये जो है बी हो, बी अब बी ग्रेड की बात करेंगे, ठीक है पहले ए हो गया अब बी और फिर सी ग्रेड की बात करेंगे, ठीक है तीन ग्रेड हम देंगे इसमें, तो यहाँ हो गया बी, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको वापिस से इसी को सेलेक्ट करना है, ठीक है इसी को सेलेक्ट करना है और इज इक्वल टू यहाँ पे सी कर देंगे, तो सी ग्रेड तक बोनस मिलेगा इन लोगों को, अदरवाइज बोनस नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे सी कर दिया। अब हमको कोई कॉमा नहीं देना, इसको बंद करना है, कॉमा अब लगाना है, ये लगा दिया कॉमा, और फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, क्योंकि बोनस हमें पता है कि 10% मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, तो जो सैलरी है इनकी सैलरी इंटू 10% आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 10%, क्योंकि एक्सेल है तो ये कैलकुलेट भी हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इनका 10% के हिसाब से बोनस कैलकुलेट होकर आ चुका है, आप देख सकते हैं, बस इसको ड्रैग कर दीजिए, ये ड्रैग कर दिया आपने तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है फॉल्स आ रहा है, तो इसमें एक कमी और रह गई है, वो उसको सही कर लिया जाए। यहाँ पे F2 करता हूँ फॉर्मूले को एडिट करने के लिए, ठीक है ये फॉर्मूला हमने कर लिया है एडिट, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमें क्या दे देना है, यहाँ पर लास्ट में हमें ब्लैंक करना है, वो ब्लैंक हमने किया नहीं है तो इसी की वजह से दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर कॉमा लगाइए और यहाँ पर ब्लैंक ऐसे डबल इंटेड कोट्स ओपन करके क्लोज कर दीजिए, बस हो गया काम। तो अब देखेंगे जब इसको ड्रैग करवाएंगे तो देखेंगे कि कुछ इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा, जहां पर बोनस नहीं देने लायक है वहां पर बोनस देगा ही नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि बोनस न दे लेकिन वहां पर लिख के आ जाए कि बोनस नॉट अलाउड, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सेटिंग और करनी होगी, यहाँ पर जाइए और फॉर्मूले में चेंज कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बोनस नॉट अलाउड, नॉट अलाउड ये लिख दिया, ठीक है अब बस एंटर कर दीजिए, और फिर आप देखिए यहाँ से अगर इसको ड्रैग कर पाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा बोनस नॉट अलाउड, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी, साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो हमेशा लेफ्ट में अलाइन होता है और जो नंबर है वो हमेशा राइट में अलाइन होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।